Ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. غرضها نسير نحو الإمام وتلبية نداء الإمام. ليش طلع الإمام لهالحرب؟ ما معنى يعني لازم نعرف معنى خروج الإمام الحسين لهذه الحرب اللي صارت في كربلاء. ये पूरा बैड वर्सेस इवल, अगर अपन मतलब इवल वर्सेस गुड अपन देखें तो वो चीज़ है ये मेरे हिसाब से. मतलब जो भी इंसानियत के नाम पे कोई काम करता है तो वो हुसैनी है, और कोई इंसानियत के खिलाफ कोई काम करता है तो वो यजीदी है. Hussein is not for the lovers of the Ahlul Bayt only, i.e. the Shias. Hussein is for human beings, is for humanity. Any human being must know Hussein, and any human being has to love Hussein. There's no other way out. الإمام الحسين وثورته جاءت من أجل البشر ككل، لأنها بدافع فطري، بدافع إنساني. داعش کی دہشت گردیوں اور سخت سیکیورٹی خدشات کے باوجود کربلا میں عربین کے عنوان سے چہلوں میں امام حسین پر دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہے. کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ، کربلا تو چلو. दुनिया भर के मुसलमान फिकह मसलक से बालातर होकर आशूर और अरबाइन के मौका पर कर्बला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिरी देते हैं. इराकी हुकाम के मुताबिक इस साल 22 मिलियन जायरीन यानी 2,20,00,000 अफराद की कर्बला आमद का तखमीना लगाया गया था, लेकिन तवक्कात के बरक्स ये तादाद 3 करोड़ तक जा पहुँची है. जबकि जायरीन की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है. चहलम या मकामी जबान में अरबाइन कहलाने वाले इस मौके पर नजफ से कर्बला तक का पैदल सफर का खुसूसी एहतमाम भी किया जाता है, जिसे अरबाइन वॉक कहा जाता है. 80 किलोमीटर के इस सफर का आगाज नजफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी के बाद किया जाता है. जायरीन जिसमें मर्द और खवातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, माजूर, बीमार, अमीर, गरीब शामिल होते हैं, वो सब इस सफर को पैदल तय करते हैं. रास्ते भर सड़क के किनारे खड़े इराकी लोग और दुनिया भर से आए हुए मुखय्यर हजरात जायरीन के लिए तामो क़याम समेत हर किस्म के सहूलियात का एहतमाम करते हैं. हर शख्स चाहता है की वो जायरीन इमाम हुसैन की बिला मुआवजा ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके. रास्ते पर जायरीन के सहूलत के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर फ्री वाईफाई भी नस्ब किया गया है, जो इस पूरे रास्ते बेहतरीन नेट पर फराहम कर रहा है. जायरीन कर्बला पहुंचकर रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने अपने अंदाज में अज़ादारी का एहतमाम करते हैं. इन मनाजिर को देखकर याद आता है कि क्या ये वही अर्ज़े कर्बला है जहाँ 1400 बरस कबल खानवादा नबी पाक को जुल्म के पहाड़ तोड़कर यजीद ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था, जहाँ आले मोहम्मद को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया. आज उसी कर्बला में आने वाला हर शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान कहलाता है, जैसे खाने पीने और तबर्रुकात की इतनी मकदार दस्तियाब होती है कि उसको इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है. आज हुसैन सब जगह है, यजीद कहीं नहीं. यह अमर भी काबिल जिक्र है कि इराक में दाइश समेत दीगर दहशत गर्द तंजीमों की जानिब से दहशत गर्द हमलों और सख्त सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इराक में जायरीन बिना खौफ खतर अपने अकीदे की तकमील के लिए जमा हो रहे हैं, और हर साल इस दूर परवर इज्तम में शरीक अफराद की तादाद में बेपना इजाफा हो रहा है. 20 million people walking, not because they have to, it's not a religious duty, it's out of love, you know, for this one imam. That means everything to them. You know, he has become, you know, hope. He has become a future. He's our legacy. He's everything. And I think that people today understand, you know, Imam Hussein and his message as being the message of Prophet Muhammad. You know, but enacted. I am not only observer. I am active participant, because I am being Orthodox Christian. I have completely different vision of the things, but I feel and I understand the deep solidarity of oppressed, of dispossessed people, the people who are fighting against the tyranny, against Dajjal, against Antichrist, and against globalism and American hegemony. So we are united. جدا رائع، جدا جميل. قابلته العام في كان مجموعة من نشاطات للأطفال، للكبار، للصغار، جدا جدا جميل، لدرجة أن كل سنة نتذكر صورنا، هذا الموكب، شعارات الموكب، جدا
جدا رائع. بالتوفيق جميعا ان شاء الله.